अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वो जगह जहाँ भगवान राम जटायु से मिले थे। Thank you.
एंड द लेफ्ट अंडर यस एंड यू मेक लाइक दिस यस रामा थैंक यू सेंट राहु तो मम्मी ने तिलक लगा दिया मैं कह रहा हम भी लगवा लें और यहाँ पे ना गेट पे भगवान श्री राम की बड़ी स्वर्ण में जिसे कहते हैं ना सुंदर मूर्ति है बड़ी ऊंची मगर पुजारी जी ने जब मैं ऐसे गया ना तो उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया नॉट मैंने जो है ना फिर वो लेटर निकाल के नहीं दिखाया क्योंकि कुछ जो है ना वो होनी चाहिए अगर पुजारी जी ने मना कर दिया तो मैंने कहा कोई नहीं बाकी सब आके देख लेंगे मूर्ति के जो दर्शन है भगवान श्री राम के तो इसीलिए हमने थोड़ी नहीं किया It's really peaceful here and even though it's like a religious place but other than that the I nature mean, on top of a mountain yeah, can yeah. you wish more it's just absolutely. The view is perfect perfect and the matlab mind blowing was beautiful absolutely center again mere ko bada pasand aaya main to usko bola mere liye this was the highlight of the trip ekare tea plantation was also good but I was like tea plantation fine but right now we are at a spot where you can see all around matlab center mein it's a peak बड़े हाईवे पे चढ़ गए और हमारे सामने है कोची और पीछे निकल गया त्रिवेंद्रम जो कि 70-80 किलोमीटर ये हमारी ट्रिप थोड़ी और एक्सटेंड हो पाती तो हम वहाँ ज़रूर जाते मगर हमें गलती ये लगी हमें लगा हम अष्टमुड़ी आए हैं मगर अष्टमुड़ी तो उस लेक का नाम है जिसके किनारे
लिए जी हम होटल की अपनी बालकनी से बाहर निकल आए हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो कुछ फेस्टिवल चल रहा है, जो बोट आप देख रहे हैं शायद इनकी कुछ रेस भी और रिजॉर्ट के नजारे तो आप पीछे से देख ही रहे हैं। ये है जी व्यू माता जी के कमरे से, तो और शानदार व्यू है उस तरफ का जहाँ पूरी की पूरी जो ये वाटर बॉडी है, लेक है, भगवान जाने क्या है, हेलीपैड देख रहे हो वही वीआईपी उतरते हैं, क्योंकि इस होटल में मेरे ख्याल से मोदी साहब भी रुके हुए हैं, जो हमारे प्रतिभा पाटिल पहले प्रेसिडेंट थी वो भी आई हुई हैं, फोटोज मैंने देखी है, लगता है वीआईपी वहीं उतरते होंगे, बोर्ड से उनको सीधा यहाँ ले आते होंगे। ओए 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 बोर्ड गई जी जनाब। क्या बॉन्ड दिखा, सबसे पहले तो बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड कौन सा? माता जी का और इनका। यार माता जी तो बहुत ही स्वीट सी है, बहुत स्वीट है माता जी। अच्छा मैं देख रही हूँ, मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि शायद मेरी मदर के साथ ही ऐसा है कि मुझे हर चीज़ को उनको बताना पड़ता है कि इसकी इस पे ये है, इसकी चीज़ें ये हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन ये है, जबकि आप देखें तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, बेटा ये है, ये है, ये है, तो जिस तरीके से वो भी उनको समझा रहे थे ना, मामा ऐसा ये हुआ था, वो हुआ था, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, राम जी के बारे में बात कर रहे थे, तो वो चुप करके सुन रही थी। तो मुझे इतना वो हो रहा है यार, क्या दौर होता है ना, एक वक्त होता है कि आपको आपके पेरेंट्स सब कुछ समझाते हैं, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, फिर जब वही बूढ़े हो जाते हैं थोड़ा सा, वही एजड हो जाते हैं और आप उस वक्त यंग होते हो, तो फिर आप उनको समझा रहे होते हैं जी ये बल्ब है, जी ये क्रॉ है, जी ये है, जी वो है, इसकी हिस्ट्री ये है। तो बहुत मतलब ये ब्लॉग मेरे लिए बड़ा खास था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे माता जी बड़ी स्वीट लगी और जिस तरीके से वो बातें करी थी, और बाकायदा जब वो रूम में गई उनको रूम इतना अच्छा लगा, डांस कर रही थी, अच्छा बच्चा बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी माता जी, बहुत ही मतलब है कि बहुत प्यारी नेचर की लग रही थी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस परिंदे के बारे में, इस बर्ड के बारे में काफ़ी हमने वीडियोज़ देखी हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर है ये, सबसे बड़ा बर्ड्स का, लेकिन लॉजिक नहीं पता थी हमें, यकीन करें बिल्कुल हमें लॉजिक नहीं पता थी कि क्यों बनाया गया है, आधा पर कहाँ है, मैं भी ये सोचती थी एक पर है दूसरा नहीं है, ठीक है ना, इसकी लॉजिक क्या थी, इसकी वजह क्या थी, ये हमें नहीं पता था, तो इस वीडियो में हमें ये भी पता चला। तो वाकई ये यूँ समझ लें कि एक बहुत बड़ा महाभारत का इंसिडेंट, बहुत ही बड़ा इंसिडेंट, बहुत बड़ा वाकया, और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की याद। और यहाँ पर अच्छा तो इन्होंने मतलब उसकी याद में बनाया, लेकिन आप देखें कि वहाँ पर बाकायदा फुटप्रिंट भी है, फुटप्रिंट इतना बड़ा फुटप्रिंट, हाँ, और जो बर्ड बना है ना आपने पता नहीं दूर से जब उन्होंने ड्रोन शॉट लिया है, मैंने दो तीन बार ये देखा कि पहाड़ जो बना हुआ है ना उसके ऊपर जो बर्ड बना हुआ है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो उस पर लेटा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है, और ये कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वो लोकेशन है, वो जगह है जहाँ पे इसका पंख कटा था और ये गिरा था। तो एग्जैक्ट मैं हैरान हूँ, बल्कि इतने सालों पहले की बात है और एग्जैक्टली लोकेशन पता है कि कहाँ गिरा था, और फिर वहीं पर उसको स्थापित एक तरीके से वहीं पर उसकी मूर्ति को बनाया गया है। पहाड़ का जो एक खदोखाल है ना वो ऐसा लगता है कि बर्ड और वो मिक्सअप हो रहे हैं। आप ये देखें कि उसके पर जहाँ पे खत्म हो रहे हैं उसके नीचे भी पहाड़ का शेप और स्ट्रक्चर वही है। तो ये अपने आप में मुझे बड़ी रहस्यमयस भी लगा और बहुत हैरत अंगेज लगा, और वाकई लग रहा था ये ऐसा लग रहा था गवाही दे रही है वो जगह, वो पहाड़ कि वाकई यहाँ पे ये गिरा है। दूसरा फुटप्रिंट, इतना बड़ा फुटप्रिंट था, बिल्कुल बहुत बड़ा, यानी कि वो खुद हैरान हो गए थे देख के कि इतना बड़ा फुटप्रिंट हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि पहाड़ का जो शेप है वही वो जगह थी जो सबसे ऊंची थी, जब वो ड्रोन से दिखाया गया तो दूसरी जगह नीचे ही यही सबसे ऊंची है। लेकिन मैंने मतलब एक चीज़ नोट की कि बड़ा मौसम अच्छा लग रहा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था, बड़ा सुहाना लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ही आला जगह पर, बहुत ही सुंदर जगह पर, बहुत ही खूबसूरत जगह पर आप लोग मौजूद हो। लेकिन इनका बताने का अंदाज़, इन्होंने जिस तरीके से डिटेल बताई, इन्होंने इसकी लॉजिक बताई, इसकी वजह बताई, ये हमें पहले नहीं पता थी। और लास्ट में चले गए होटल, तो होटल तो मैं कहूँगा बहुत ही, वाकई केरला में बहुत ही ज़्यादा टूरिज़्म है, बहुत ही ज़्यादा टूरिज़्म का ख्याल रखा गया है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म के। अच्छा ये तो एक होटल है, पता नहीं और मज़ीद होटल किस तरह के यूनिक तरीके से बनाए गए होंगे, क्योंकि एक तरह से कॉम्पिटिशन होता है ना, जहाँ पर टूरिज़्म होती है वहाँ पर अपने ही सार्फिन को, अपने ही जो टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत ही सुंदर चीज़ें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं लोग होटल्स। अच्छा, वाले मैं अक्सर ये सोचती हूँ ड्यूरिंग द वीडियो कि अभी दोबारा से ये ख्याल आया था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ साझा किया जाए अपने इस ख्याल को,
कि अक्सर हमारे यहाँ जो है ना मसनूई चीज़ों से अट्रैक्ट किया जाता है पब्लिक को या लोगों को, जैसे हमारे यहाँ विंटर लैंड करके एक जगह मसनूई तौर पे बनाई गई थी, वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है जी, और वहाँ पे आप जाओ 7-8 हज़ार का फटका पर पर्सन होता था, तो लोग जाते थे उसको इंजॉय करने और फिर वो करते थे। लेकिन यहाँ पे मैं देखती हूँ कि ये कहते 3-4 घंटे का सफ़र तो है, लेकिन केरला में आके अगर आप यहाँ नहीं आए तो कुछ नहीं आया, और आपने जो मेमोरी यहाँ पे बनाओगे आप वो वाकई लाइफ टाइम के लिए याद कर रहेगी। कह रहा है मैं जब ड्रोन शॉट बना रहा था मुझे वो एक्सपीरियंस हो रहा था, बिल्कुल, और मैं इतना क्लोजर हूँ, इतना करीब खड़ा हूँ, दूसरा सफाई सुथरा इतनी ज़्यादा कि मैं जगह जगह ढूंढ रही थी कहीं कोई गंदगी कहीं वो, एक तो मौसम इतना सुहाना हो रहा है, नेचुरली वो जगह इतनी प्यारी, और उसको वैसे भी बहुत खूबसूरत रखा गया है, बहुत प्यारा रखा गया है, उसको स्पॉइल्ड ही नहीं किया गया पब्लिक की तरफ से भी। ये चीज़ मैं कहूँगी बड़ी अवेयरनेस है, बड़ा शऊर है इन लोगों के अंदर। बता रहे थे कि जब इसे बनाया गया तो 12 साल तक तो सिर्फ इस बात पे भी लगा दिए गए प्लानिंग में ही कि नेचुरल जगह को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, जो पौधे हैं और इस तरह की चीज़ें उनको ना कोई फर्क पड़े या उनको ना कोई हार्मनेस हो, ठीक है ना। उसके बावजूद उसके बाद ही एक जगह इतनी खूबसूरत लग रही है, बड़ी मेहनत से बड़ी प्लानिंग से बनाई गई, ये पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया इस स्ट्रक्चर को जानती है, इसको देखती है, बाकायदा गूगल पे सबसे बड़ा परिंदे का स्ट्रक्चर यहीं पर मौजूद है। लेकिन वाकई अपने आप में बहुत खूबसूरत, और बताने वाले ने बनाने वाले ने इनके व्लॉग हमने काफ़ी पहले भी देखे हैं, इन्होंने कश्मीर की भी सैर कराई और अपनी वाइफ को जो है ना, मैं ये भी देख रही थी कि वाइफ जो है ना वो पीछे पीछे थी मामा को गले में हाथ डालकर, और मामा के क्लोज़र और मामा को हर चीज़ बताई जा रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला साइड इनका, बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से मतलब वाइफ को मैंने बहुत कमोबेश ही देखा है कैमरे में, वो आई होंगी या उनसे थोड़ी बहुत बातचीत नहीं की, मामा को बड़ी रिस्पेक्ट, मामा से बड़ा प्यार, मामा से बड़ी अटैचमेंट, तो मुझे तो बहुत माता जी बहुत पसंद आई। नहीं बिल्कुल, माई नेचर बहुत अच्छी थी और इन दोनों का आपस में प्यार भी बहुत अच्छा था, और अक्सर होता है ना कि बीवी हो तो फिर माँ का ख्याल ही ख़त्म हो जाता है, माँ की तरफ तवज्जो ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब ये मुल्क से बाहर थे तो टोटली वाइफ के साथ ही थे, टोटली वाइफ के साथ ही घूमते थे, और कश्मीर भी मेरे ख्याल में अकेले ही गए थे मियाँ बीवी, और वहाँ भी माता जी नहीं थी, तो अब जो माता जी साथ हैं अब अपने ही शहर के करीब होंगे शायद, और वैसी बात है कि एक अम्मी हो इस एज की हो तो वैसी बात है लंबे सफ़र पर ले जाना और फिर ख्याल रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, तो मेरे ख्याल में ये यहीं कहीं आसपास ही इनका जो मेन घर होगा केरला में होगा या महाराष्ट्र में होगा लंबे सफ़र में। केरला से नहीं है, केरला से तो नहीं है, दिल्ली वगैरह की साइड से होंगी ये, क्योंकि कहते काफ़ी लंबा सफ़र था यहाँ तक आने का ना, और होटल भी यहाँ पे क्यों गया इन्होंने, अगर केरला में होता तो ये वापस ही चले जाते। नहीं मतलब कहीं आसपास शहरों में, केरला एक राज्य है वो तो मुझे पता है, उसी के किसी शहर में भी हो सकते हैं, मुंबई में भी हो सकते हैं, दिल्ली में भी हो सकते हैं। हाँ लेकिन मैं यही सोच रही थी कि केरला में तो नहीं रहते होंगे, केरला से बाहर से होंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत, और सबसे अच्छी बात है कि इस परिंदे के बारे में नॉलेज पता चले कि इसकी लॉजिक क्या थी, वजह थी बनाने की, तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।